दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं मुलेठी के लाभ, तो इस खास वीडियो में बता रहे हैं हकीम सुलेमान खान साहब मुलेठी का उपयोग आप कैसे कर सकते हैं और ये कितनी आपके लिए फायदेमंद हो सकती है। तो इस खास वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहें। मुलेठी देखिए खांसी के रोगों में काम आती है, खराश, खांसी, बलगम और छींकें जिनको आती हैं वो लोग एक चुटकी मुलेठी का पाउडर किसी भी तरह खा लें। कुछ लोग इसे शहद में मिलाकर खा लेते हैं, वो भी फ़ायदेमंद है, इसे बगैर शहद के भी खा सकते हैं। और कुछ लोग घी में मिला के खा लेते हैं, कुछ लोग बालाई में मिला के खा लेते हैं, मलाई जिसे कहते हैं। और इसका खाना शर्त है एक एक चुटकी पूरे दिन में 3 मरतबा तक खा सकते हैं। और ये गर्म मिजाज की है और फौरन हमारे गले को फ़ायदा देती है। स्वाली नाम की एक दवा मार्केट में मुलेठी से ही बनती है और इसमें कुछ चीज़ें और भी मिलाकर इस्तेमाल कर लेते हैं, जैसे कलौंजी के साथ एक चुटकी कलौंजी, एक चुटकी ये मुलेठी, और कुछ लोग एक चुटकी कलौंजी, एक चुटकी सौंठ और एक चुटकी ये मुलेठी ले लेते हैं। तो कई चीज़ों के साथ इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे ही तमाम बीमारियों के असरदार घरेलू उपायों को जानने के लिए आप हकीम सुलेमान जी के इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल हकीम सुलेमान पर जरूर आएं। अगले कॉलर हैं रूबी जी, बुलंदशहर से, स्वागत है आपका। मैम नमस्ते जी। नमस्कार मैम जी। डॉक्टर नमस्ते सर, हाथ जोड़कर नमस्ते। जय हिंद, स्वागत रूबी जी का हमारे हमारे जिले से आप बात कर रही हैं रूबी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताइए। हाँ जी डॉक्टर, आपकी दवाई से हमें बहुत आराम है। और आप मेरे 2-3 सवाल है सर जी। आज पहला सवाल तो ये है कि मेरे हस्बैंड वो नमक जैतून दे रहे थे आपने गोलमिर्च को जब बताया था, तो वो 1 बार देना है या 2 बार देना है सुबह शाम? और दूसरा सवाल मेरा ये है मैम कि मेरा 8-8.5 साल का बच्चा है, उसके आज दांत टूट गया था, हमने डॉक्टर को दिखाया था, वो साइकिल से गिर रहा था, वो कह रहे थे ये दांत नहीं आएगा, दांत टूट गया था। हाँ जी, ये दांत नहीं आएगा, आपको 12-13 साल में नया ही लगवाना पड़ेगा। तो आप डॉक्टर से पूछ रहे हैं कि कोई दवाई डॉक्टर आपके पास हो कुछ? उन्होंने कहा कि कोई भी कैल्शियम वगैरह खवाओ पर ये दांत नहीं आएगा। ठीक। और तीसरा सवाल मैम ये मेरा ये है कि इसके बच्चे के दांत भी हो जाते हैं जगह जगह पर, दांत? ठीक है। हाँ जी, कोई डॉक्टर की कोई दवाई हो तो डॉक्टर साहब से थोड़ी दुआ भी करवा देना बच्चे के लिए, वो पहले से आपको परेशान है पहले से। ठीक है मैम। हाँ देखिए, आपके आपके जो पति हैं वो अपनी ज़रूरत के एतबार से लें नमक जैतून, एक वक्त लें और या 2 वक्त, उनकी ज़रूरत अगर एक वक्त में पूरी हो रही है 2 वक्त लेने की ज़रूरत नहीं है, 2 वक्त में ज़रा जल्दी आदमी को फ़ायदा होता है, तो वो आप खुद तय करें। और उनको फ़ायदा हो रहा है तो बहुत अच्छा है, बड़ी खुशी की बात है। हाँ देखिए, इंसान के 2 बार दांत आते हैं, एक तो बचपन में टूट के दांत और फिर जो इस उम्र में आपका बच्चा है इसमें दांत आते हैं, लेकिन अभी इनकार नहीं किया जा सकता कि वो दांत नहीं आएंगे। अभी हमें 1 साल इंतज़ार करना चाहिए, हो सकता है कि आ जाएं, क्योंकि अभी बच्चा बिल्कुल यंग है और कैल्शियम वगैरह तो उसे देते ही रहें। और गौंद मोरिंगा 1 ग्राम, नारियल पानी, दूध या पानी के साथ दे दिया करें तो बहुत उम्मीद रख सकते हैं और ये आपके दांत में भी बहुत काम करेगा। गौंद मोरिंगा सफ़ेद 1 ग्राम जिस तरह चाहें उन्हें दे सकते हैं, आधा आधा ग्राम करके 2 बार दे सकते हैं तो बहुत अच्छा है। नेक्स्ट कॉलर तृप्ति वर्मा जी, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी मैम, कहाँ से बात कर रही हैं जी? हम लखनऊ से बात कर रहे हैं।
जी मैम सवाल सवाल ये है कि मेरा ऑपरेशन हुआ है और मेरा पेट मतलब लटक चुका है। कितनी उम्र है आपकी और कब ऑपरेशन हुआ था? 3 महीने पहले हुआ। ठीक है, एज बता दीजिए। एज 21 जी। बहुत कम उम्र है। और अभी करें गर्म पानी पिया करें दिन में 5 बार और 1 घंटा पैदल चला करें। और किसी का वेट ज़्यादा हो या पेट ज़्यादा हो या चर्बी ज़्यादा हो, खून में चर्बी कोलेस्ट्रॉल ये सब बातें जिसको भी हो, एक चुटकी सोडा जो आपके किचन में पाया जाता है खाने का सोडा, एक चुटकी 2 गिलास पानी में डालें और एक चुटकी नमक जैतून। ये दुनिया का एक विशेष नमक है जिसे असली लेना ज़रूरी है, कुछ लोग नकली भी बेचते हैं। एक चुटकी नमक जैतून, एक चुटकी खाने का सोडा पानी में मिलाकर रोज़ाना 1 बार या 2 बार पी लिया करें। जितना वेट या जितना पेट जितना कोलेस्ट्रॉल आप कम करना चाहें आसानी से कर सकते हैं। डाइट कंट्रोल भी ज़रूरी है इन सब चीज़ों के लिए, क्योंकि ये आपको 3-4 किलो पेट या वेट कम करते हैं 1 महीने में। कहीं आप ऐसी गिजाएँ ना खाएं कि 6-7 किलो वज़न बढ़ने लगे और हम 3-4 किलो ही वज़न कम कर पा रहे हैं, तो डाइट कंट्रोल भी ज़रूरी है। जी, कर्नाटक से हैं सलमा, स्वागत है आपका। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ सर, मेरे 3 सवाल हैं। जी, पहला तो सवाल, हाँ 3 सवाल हैं मैडम। पहला सवाल तो है, मेरा बच्चा 8 साल का है, उसके हाँ सीधी आंख बहुत दुख रही थी, दूर का नहीं दिख रहा था, उसकी वजह से हमें डॉक्टर को दिखाए थे, चश्मे डॉक्टर को, उन्होंने बोला कि चश्मा ये नंबर बहुत बड़ा है, बड़े इतने जो 65 या 50 साल का उनका नंबर है बच्चे को, पर उनको एक चश्मा दिए है मैडम, कम नंबर का चश्मा दिए हैं, लेकिन आंख बहुत दुखती दिखता, लेकिन बहुत नजदीक से देख को दिखता, बहुत दिखता रहता, नजदीक से देख दिखता सर। हाँ, उसके लिए क्या करना चाहिए सर? चश्मा तो है उसके, लेकिन क्या पिलाना चाहिए? सोप का पानी भी पिला रही हूँ सर, मैं गाजर भी दे रही हूँ उसे, स्कूल को जाता है, लेकिन थोड़ा कमजोर भी है, खाना भी कम खाता है, 8 साल का है सर। ठीक है। हाँ सर, हाँ दूसरा सवाल है सर, मेरी बेटी 2 साल की है, अभी भी दूध छोड़ी है वो, लेकिन दूध वो पिलाती हूँ सर मैं, ऊपर का दूध वो देती हूँ, उसमें क्या डाल के पिलाना चाहिए सर? मैं तो बलगम ज्यादा होता है सर उसके लिए। ठीक है। और हाँ तीसरा सवाल है सर, मेरे एक ईयर हाउस जैतून का नमक सियागोन ले रही हूँ सर मैं, वो दिल की तकलीफ का सर, मैं टेस्ट सब करा हूँ सर, सब नॉर्मल है, थोड़ा क्या हो लंग्स में कुछ बोल रहे हैं सर डॉक्टर ने, तुम्हारे भी यहाँ बात करी हूँ, लेकिन उन्होंने मार्जिन आरके भी लियो कर बोले सर, इसके लिए परसों तुम्हें बोले थे आंवला मुरब्बा आंवला लियो कर कुछ दिल के लिए, वो क्या मैं इसके साथ भी ले सकती हूँ क्या सर? कब ले सकती हूँ सर? और मुझे नींद भी नहीं आती सर, बहुत सोचती हूँ सर, उन्होंने बोला कि सोचे तो दवा नहीं लगती, तुम ना को कर बोले सर उन्होंने, उसके लिए सर बहुत सोचती हूँ क्या, दिमाग में वो चाहता है कि तकलीफ होने के साथ बहुत दर्द होता है सीने में सर मुझे। ठीक है सलमा जी, ठीक है जी। हाँ कई दिन से लगातार फोन कर रहे हैं आप। बच्चे का क्या सवाल था? 8 साल की बच्ची है, आँख में दिक्कत है, नंबर बढ़ा हुआ है, दुखती है। हाँ तो उनको यूनानी में तो यही इलाज है कि जो आप दे रहे हैं उन्हें, गाजर का जूस या सौंफ का जूस, इसमें 1/2 ग्राम सफ़ेद गौन मोरिंगा, असली वाला सफ़ेद गौन मोरिंगा 1 बार दिया करें, बच्चा छोटा है, 1/2 ग्राम, अगर ये 12 साल से ज़्यादा का हो तो 1 ग्राम भी दे सकते हैं, और लंबा इलाज करें, डॉक्टरों के भी परामर्श ज़रूर माने। और 2 साल के बच्चे को जब आप दूध बाहर का दूध देते हैं तो दो तीन कतरे उसमें बादाम के तेल के डाल दें, अच्छे किस्म का रोगन ने बादाम शीरी, तो उन्हें 1 बार या पहले 1 बार दें, उसको हजम होने लगे तो 2 बार भी कर सकते हैं, इससे उसको बहुत फ़ायदा होगा नज़ला खांसी में और ग्रोथ में बहुत फ़ायदा, भूख भी लगेगी और
खुल के इजाबत भी होगी और ये ताकतवर बन सकता है। चाहें तो आप भी रोगन बादाम एक दो चम्मच ले लिया करें, ये दिमाग की ताकत के लिए और बहुत अच्छा होता है और ये आँखों को भी फ़ायदा करता है। तो अपने 8 साल बच्चे को भी कोई दे सकता है। और जो दवाइयाँ आप ले रहे हैं वो काफ़ी हैं, माजून आर केयर आप ले सकते हैं, मैं इसका जवाब कल भी दे चुका हूँ। और देखिए ये ख्यालात अच्छे बुरे बहुत आते हैं और ख्वातीन को तो बहुत आते हैं, महिलाओं को कुछ ज़्यादा ही आते हैं। तो यह तो अपने बच्चों में मसरूफ़ रहें और थक जाया करें और थक के सोने के बाद बहुत अच्छा लगता है। एक चम्मच अगर खशखाश को पाउडर बना के रखें और वो खा लिया करें तो ये बहुत मुसक्किन है, यानी सुकून देती है। तो ये एक चम्मच खाकर आप पानी या दूध पी सकते हैं, इससे भी आपको बहुत सुकून मिल सकता है। गर्दन में तकलीफ़ है तो वो एक्सरसाइज ये वाली, ये और ये आप 3-3 मिनट किया करें तो वो तकलीफ़ भी जाना मुमकिन है। बिल्कुल। तो सलमा जी आपसे मैं एक बात यहाँ पे ज़रूर कहना चाहूँगी मैम कि आप लगातार हमें कॉल कर रही हैं, लगातार हमसे नुस्खे जान रही हैं, लेकिन अगर आप किसी भी बात को अपने ऊपर हावी होने देंगी मैम तो देखिए ट्रीटमेंट कराती रहेंगी और परेशान होती रहेंगी। अगर आप परेशान रहेंगी तो कैसे आप खुद को बेहतर कर पाएंगी। एक एक चीज़ का ख्याल रखिए मैम और किसी भी बात को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिएगा, वरना आपको संभालने वाला कोई नहीं होगा। फिर आप वही तकलीफ़ से लड़ती रहेंगी जो तकलीफ़ आपकी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। दुआ यही है आप बहुत जल्दी बहुत अच्छी हो जाएं। अगले कॉलर हैं हमारे साथ इटावा से, सौरभ जी स्वागत है आपका। जी नमस्कार। नमस्कार सर। जी नमस्कार सर। इटावा वालों आदाब, जय हिंद, स्वागत आपका। जी ये कह रहे हैं मैं चलने में खड़े होने में बहुत दिक्कत होती है। उम्र कितनी है आपकी? उम्र होगी 40 साल लमसम। और तकलीफ कब से है? खड़े होने में कमर से यहाँ तक चलने और खड़े होने में बहुत दिक्कत होती है। कब से ये दिक्कत है? हो गई 1.5 साल हो गई ज्यादा। 1.5 साल, ठीक है सर जी। देखिए इटावा वालों, आपने इस 1.5 साल में क्या इलाज नहीं किया होगा, मैं समझ सकता हूँ कि ये कितनी तकलीफ़ होती है। और दवा देने वाले को ये पता होना चाहिए और ये बताना चाहिए कि ये मर्ज क्या है। देखिए इस उम्र में और मेहनती लोगों को ज़्यादा ऐसा होता है, वैसे सबको ये होने लगा कि कमर के डिस्क में नसें दब जाती हैं जो टांगों की तरफ खून सप्लाई के लिए जाती हैं, कमर की डिस्क में। अब ऐसे आदमी को एक तो ऐसा कुर्सी वाला वेस्टर्न टॉयलेट चाहिए अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए, नहीं है तो सबसे पहले वो लगवाएं और कुछ दिन मेहनत ना करें, वज़न ना उठाएं, ये दो बातें मेरी याद रखें। और एक गोंद जो बहुत नकली भी मिलता असली ख़रीदें, और वो है काला गोंद, इसे हम लोग गोंद स्याह कहते हैं। ये बस 1 ग्राम खरीदिए और 0.5 ग्राम सुबह नाश्ते के बाद खाइए, 0.5 ग्राम शाम को खाने के बाद, धनिया के पाउडर के साथ 0.5 चम्मच धनिया का पाउडर, धनिया तो सबके पास होता ही है किचन में, और 0.5 ग्राम गोंद स्याह असली, नकली लिया तो कोई ज़िम्मेदारी नहीं, सुबह नाश्ते के बाद खा लें, रात को खाने के बाद, पानी से खाएं या दूध से खाएं ये आपकी आप तय करेंगे। और बस वज़न ना उठाएं, वेस्टर्न टॉयलेट इस्तेमाल करें। अगर ये गोंद मिल गया आपको असली, 15-16 रुपए का 1 ग्राम आ जाता है, ये एक दिन का इलाज है। अगर 100 ग्राम भी मिल गया तो आपके तकलीफ़ को पहले दूर करता है, बाद में वो ख़त्म होता है। तो आप इसे इस्तेमाल करें और फ़ायदा उठाएँ।